ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में जो जिस प्रकार के बलात्कार की घटनाएं, महिला उत्पीड़न की घटनाएं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस प्रकार की रेप की घटनाएं, मैं समझता हूं पूरा राजस्थान इससे हिल गया, नहीं पूरा देश हिल गया। क्योंकि जो शांति प्रिय प्रदेश कहलाने वाला राजस्थान यदि आज बलात्कार में देश में नंबर वन स्थान आता हो, इससे ऐसा लगता है कि राजस्थान के गृहमंत्री लैंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और जिस प्रकार की शक्ति होना चाहिए सारा पुलिस प्रशासन और सारे प्रशासनिक लोग, विधायकों और अधिकारियों का गठजोड़ बन चुका है और ये गठजोड़ बनाकर जिस प्रकार आम जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, जनता के प्रति शोषण कर रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन्होंने भारतीय संविधान में जो मंत्री के दायित्वों की जो शपथ इन्होंने राज्यपाल के समक्ष ली है उसका सीधा सीधा ये उल्लंघन कर रहे हैं। इनको नैतिक दायित्व बनता था कि अपराध रोकथाम के लिए और ठोस उपाय करें। पेपर लीक का जहाँ सवाल उठता हो, 19 से 20 बार पेपर लीक होते होंगे, मंत्री और विधायक आपस में लड़ते होंगे, मुख्यमंत्री के खिलाफ यदि मंत्री बोलते हैं तो उनके खिलाफ ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं कर सकते। लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को धूमिल करने का काम यदि राजस्थान में हुआ तो गहलोत सरकार। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।